सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है सभी भाई ठीक ठाक होंगे। भाई मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैं बताया था कि कुवैत का वीज़ा जो अभी नहीं मिल रहा है, तो उस पर बहुत सारे भाइयों ने जो कमेंट किए थे, भाइयों ने सवाल पूछे थे, भाई मेरे दोस्त का वीज़ा आ गया है, मेरा वीज़ा आ गया। एक दो भाइयों ने मेरे को अपना वीज़ा भी सेंड किया, भाई देखिए ये वीज़ा आ गया, बोल रहे वीज़ा नहीं निकल रहा है, तो क्या ये फेक है? तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, भाई जो कुवैत का वीज़ा निकल रहा है वो भाई खाली खादिम वीज़ा का भी निकल रहा है, सुन का वीज़ा है जो अभी नहीं निकल रहा है। जो 20 नंबर का वीज़ा है वो ही मिल रहा है, वो ही काफ़ी, यानी कि भी कम वीज़ा जो है वो निकल रहा है, वो भी उन फैमिली का वीज़ा निकल रहा है जिनको, यानी कि इसका खादिम का अर्जेंट ज़रूरत है, जहाँ किसी का वाइफ प्रेग्नेंट है, जहाँ किसी का है ना घर में कोई पेशेंट है, उसको देखने के लिए आदमी चाहिए, ऐसे वीज़ा है वो निकल रहे हैं। खादिम का वीज़ा भी बहुत ज़्यादा जो है नहीं निकल रहा है। तो ये भाई खादिम का वीज़ा है बहुत कम कम हुआ था, काफ़ी जिनके भी वीज़ा निकल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, जिन जिन भाइयों ने अप्लाई किया था। तो बहुत सारे भाई मेरे को पूछ रहे थे, है ना, सवाल कर रहे थे, भाई आप तो बोल रहे हैं वीज़ा नहीं निकल रहा है कुवैत का, देखिए मेरे दोस्त का वीज़ा आ गया है, ये मेरा वीज़ा आ गया है, क्या ये फेक है? तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, आपका वीज़ा जो है वो खादिम का है। मैं एक भाई ने वीज़ा मेरे को सेंड किया था, मैं चेक भी किया था, खादिम का वीज़ा देखिए क्या होता है, ये घर का वीज़ा होता है, घर का मतलब घर में काम करने के लिए 20 नंबर का डोमेस्टिक वीज़ा इसको कहते हैं, जो कंपनी में काम करने के लिए वीज़ा नहीं है। आपको कोई बुला रहा है, आपका स्पॉन्सर, वो उसके घर के लिए, घर के काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए, मान लो आप हाउस ड्राइवर के काम पे जा रहे हो, जहाँ किसी कुक के काम पे जा रहे हो, जहाँ उसके घर में आप कोई सफाई के लिए, सफाई वाले का काम करने के लिए जा रहे हो, जहाँ उसके कोई बच्चा है उसको, है ना, उसका केयर करने के लिए आप जा रहे हो, जहाँ उसके घर में कोई पेशेंट है, आप उसकी जो केयर टेकर के लिए नानी के तौर पे आपको जो वीज़ा है वो मिल रहा है। आपका ये वीज़ा घर का वीज़ा है, घर के काम करने के लिए वीज़ा है, खादिम वीज़ा ही इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि खादिम का मतलब होता है खिदमत करने वाला, जहाँ हम हिंदी में बोले तो जो सेवा करने वाला आपका, जहाँ उसको हम नौकर कह सकते हैं, नौकर का वीज़ा होता है जो खादिम का 20 नंबर का वीज़ा इधर कुवैत में होता है। तो वो वीज़ा अभी निकल रहे हैं, वो भी बहुत कम निकल रहे हैं। तो जो सून के 18 नंबर के वीज़े हैं वो अभी नहीं निकल रहे हैं फिलहाल के लिए, जब भी जो कंपनी का वीज़ा निकलना स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो जितने भाई मेरे को कमेंट करते थे, पूछते थे भाई कुवैत का वीज़े का क्या होगा, कब मिलेगा, कब निकलेगा, तो मैं उनको फिर बता देना चाहता हूँ, कुवैत में बहुत टाइप के भाई वर्क वीज़े मिलते हैं। कुवैत में सिंपल एक टाइप का वर्क वीज़ा नहीं है कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया और आपको वर्क वीज़ा मिल गया, आप कुवैत में आ गए, ऐसा नहीं है। कुवैत में बहुत 18 नंबर के वीज़ा अलग हैं, 20 नंबर के अलग हैं। 18 नंबर में भाई बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, मजरे की अलग है, मुबारक अलग, कबीर की अलग है, कोई आपको सेल्समैन का जो वीज़ा है वो अलग है, किसी शॉप के वीज़े अलग हैं, कंपनी के वीज़े अलग हैं, प्रोजेक्ट वीज़े अलग हैं, बहुत सारे टाइप के भाई कुवैत में जो वीज़े हैं वो मिलते हैं। फिलहाल के लिए जो 18 नंबर शून के वीज़े हैं, जितने भी हैं, कोई मताम का है, कंपनी का है, प्रोजेक्ट है, मजरा का है, कोई भी वीज़ा है, अभी वो बंद है, अभी भाई वो नहीं निकल रहे हैं। खाली 20 नंबर के वीज़ा जो खादिम के वीज़ा हैं वो ही मिल रहे हैं। खादिम का मतलब है घर में काम करने वाला नौकर। सो आप समझ गए होंगे बात में, बात को, कि जितने भी वीज़े अभी आ रहे हैं जिन भाइयों के, वो खादिम के वीज़े हैं, खादिम के जो घर में काम करने वाले, जैसे हाउस ड्राइवर हैं, जहाँ कुक हैं, जहाँ माली हैं, जहाँ भाई आप घर में सफाई करने वाले हो, झाड़ू पोछा लगाने वाले हो, जहाँ किसी के बच्चे को देखने के लिए आ रहे हो, जहाँ किसी के पेशेंट को, कोई मरीज है उसको देखने के लिए आ रहे हो, ऐसे वीज़े हैं जो घर के जो वो मिल रहे हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा सा सब्र रखें, जब भी वीज़े निकलने के बाद के स्टार्ट होंगे तो मैं भाई सबसे पहले जो वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो बहुत सारे भाइयों को कमेंट आ रहे थे, भाई कह रहे थे भाई आपने नहीं बताया वीज़े निकल रहे हैं, जहाँ जी देखिए वीज़ा आ गया, आप कैसे बोल रहे हैं वीज़ा जो कुवैत का नहीं मिल रहा है। वो सभी भाइयों के जितने भी वीज़े हैं वो भाई खादिम के वीज़े निकल रहे हैं, इसलिए भाई उसके लिए ज़्यादा पैसा वैसा अपना जो वेस्ट है वो ना करें, किसी एजेंट के पास अपना पैसा है जो वो अभी के लिए किसी को ना दें, क्योंकि भाई कंपनी के वीज़े नहीं निकल रहे। जितने भी खादिम के वीज़े होते हैं आप उस घर के अलावा और कहीं काम नहीं कर सकते, किसी कंपनी में आपको काम नहीं मिलेगा। आप तो जो स्पॉन्सर है आपका, वो जब चाहे आपका वीज़ा है वो बिना आपको पूछे कैंसिल भी करवा सकता है। मान लीजिए आप किसी के घर में आए हैं, आपने उधर में किसी से बात किया, मैं बाहर काम करने के लिए मेरे को वीज़ा चाहिए, उसने आपको खादिम का वीज़ा दिलवा दिया है ना, 2-4 लाख, 3, है ना, 3 लाख, जितना भी आपका पैसा लगा, इधर आके बाद में आपका वीज़ा लगा, 2-3 महीना आपने कहीं काम किया, आपका जो स्पॉन्सर है आपका 2-3 महीने बाद ही आपका वीज़ा जो कैंसिल करवा सकता है,
उसके बाद जब आप अपना वीजा रीन्यू करवाने जाएंगे तो आपका वीजा रीन्यू नहीं होगा, क्योंकि आपका वीजा तो बहुत पहले ही कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो एजेंट है बीच में, वो भाई आपसे पैसा ले लेते हैं और आपको जो खादमी का वीजा जो है वो दिलवा देते हैं। बाद में जब रीन्यू करवाने का टाइम आता है तो भाई आपका वीजा तो बहुत पहले कैंसिल हो चुका होता है। जितने का वीजा नहीं होता उससे ज्यादा तो आपका जो है वो वहां पे जुर्माना बन जो बन चुका होता है, 1 दिन का इधर में 2 KD का ग्रामा है अगर आपका वीजा जो है वो कैंसिल हो जाता है या वो टाइम से ज्यादा निकल जाता है। मान लीजिए आपका 1 साल का वीजा है, आपको आपका वीजा अगर 3 महीने में कैंसिल करा दिया, 2 महीने भी कैंसिल करवा दिया, बाद में 10 महीना आपने काम किया, बाद में जब आप 10 महीने के बाद वीजा अपना रीन्यू करवाने जाएंगे तो आपको भाई 10 महीने का ग्रामा पड़ना जो है भरना पड़ेगा, जो कि लगभग 500-600 KD जो साल का है वो ग्रामा ही हो जाता है। तो इसलिए जिन्होंने भी भाइयों ने बाहर काम करने के लिए वीजा लेना है वो भाई खादिम का वीजा ना लें। जिस खादिम का वीजा घर के लिए काम करने के लिए वीजा होता है, इसलिए जब भी कंपनी का वीजा स्टार्ट होगा तो भाई मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई अब से कंपनी की वीजा स्टार्ट है, तब आप किसी एजेंट के पास जाइए तो उसको बोलिए कि मैं आप कहे कंपनी में काम करने के लिए मेरे को वीजा चाहिए, तब भाई आपको जो वीजा है वो मिल जाएगा। उम्मीद है भाई आपको जो बात है समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप पूरी हमारी मेरी वीडियो जो है हिंदी में देखना चाहते हैं तो भाई नीचे जो मेरे नए चैनल का लिंक है वो मैं दिया हुआ है, आप उस पर जो क्लिक करके भाई हमारा हिंदी वाला चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस पर मैं जो पंजाबी का वीडियो है वो भी बनाता रहता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।